बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में कवकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कवकों का वर्गीकरण उसी क्रम में। लेकिन कुछ बच्चों की यह है कि कल जो वीडियो थी पादप जगत का वर्गीकरण, उसको एक बार सर बता दीजिए, तो उसको थोड़ा दो मिनट हम एक बार बता दें। पादप जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए, पादप जगत को ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पुरानी पद्धति, ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पुरानी पद्धति के अनुसार पादप जगत को मुख्य रूप से दो उपजगतों में बांटा गया। कितने? दो उपजगतों में। पहला है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, ये क्या हिंदी इंग्लिश बराबर है, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, और दूसरा है इम्ब्रियोफाइटा, इम्ब्रियोफाइटा। थाइलोफाइटा में जो होता है जड़, रूट, स्टेम, तना, लीफ, पत्ती का अभाव होता है। थाइलोफाइट ऐसे पौधे हैं। तो पादप जगत को कितने उपजगतों में? दो उपजगतों में, थाइलोफाइटा और इम्ब्रियोफाइटा। थाइलोफाइटा में जो जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, और इसमें जो है इम्ब्रियो भ्रूण नहीं बनते हैं, इम्ब्रियो भ्रूण नहीं बनते हैं। भ्रूण जानते ही हैं, नर और मादा युग्मकों के संलयन से निषेचन क्रिया संपन्न होती है, और निषेचन के पश्चात युग्मक जायगोट जो है इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। तो थाइलोफाइटा में जो होते हैं भ्रूण का अभाव होता है, इसलिए इसको अभ्रूणी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रूणी पौधे कहते हैं। और इम्ब्रियोफाइटा में जो है रूट, जड़, स्टेम, तना और लीफ पत्ती पाई जाती है, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। इसमें भ्रूण इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का निर्माण होता है, अर्थात ये भ्रूणी पौधे होते हैं। इम्ब्रियोफाइट नाम से ही है कि इसमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है और भ्रूण का निर्माण होता है। अब इस थाइलोफाइटा को कुल 10 संघों में, ये 10 फाइलम, 10 संघों में विभाजित किया गया है। इसमें से 1 से 7 तक क्या है? एल्गी है। 1 से 7 तक एल्गी, जिसको आपको बताया गया है, पहला है साइनोफाइटा, दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, तीसरा है क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा, रोडोफाइटा, क्राइसोफाइटा, ईटीसी। ये सब क्या? 1 से 7 तक एल्गी हैं। 8वें में साइजोमाइकोफाइटा है, साइजोमाइकोफाइटा, जिसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु रखा गया है, जीवाणु। और 9वां है मिक्सो, मिक्सो माइकोफाइटा, मिक्सो माइकोफाइटा, जिसमें स्लाइम मोल्ड, अपंग कवक हैं। फाल्स फंजाई है, ये फाल्स फंजाई क्या है? झूठे कवक। और 10वां है यू माइकोफाइटा, यू माइकोफाइटा, यू माइकोफाइटा, जिसमें ट्रू फंजाई है। क्या है? ट्रू फंजाई है, सत्य कवक। इस तरह से कुल थाइलोफाइटा को 10 संघों में बांटा गया। 1 से 7 तक जो होते हैं एल्गी शैवाल हैं, जिनको बताया साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा, ये सब एल्गीज हैं। 8वां साइजोमाइकोफाइटा,
इसमें जीवाणु बैक्टीरिया, नौवां मिक्सोमाइकोफाइटा जिसमें स्लाइम मोल्ड, अपंग कवक, इसको असत्य फंजाई असत्य कवक कहते हैं, और यूमाइकोफाइटा में आपका ट्रू फंजाई सत्य कवक आता है। अब इम्ब्रियोफाइटा, इम्ब्रियोफाइटा को जो है आपको आगे जो भूरी पौधे हैं, सबसे पहला जो है ब्रायोफाइटा, हिंदी इंग्लिश सब इसका बराबर है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पहला इस समय ब्रायोफाइटा में रखा गया है। ब्रायोफाइटा में आपको पढ़ना है मॉस, क्या पढ़ना है, मॉस, मॉस पढ़ना है, ये ब्रायोफाइट। और दूसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिसमें आपको फर्न पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फर्न पढ़ना है। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इसमें आपको पढ़ना है साइकस पाइनस, साइकस है पाइनस है। और अगला है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, इसमें बीज नहीं लगते हैं, नग्न बीजी होते हैं। और एंजियोस्पर्म को पुष्पी पौधे इसमें आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट सभी पुष्पी पौधे। इस तरह से ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की पुरानी पद्धति के अनुसार पादप जगत को मुख्य दो उपजगतों में थाइलोफाइटा और इम्ब्रियोफाइटा, थाइलोफाइटा को 10 संघों में, 1 से 7 तक एल्गी, 8वां में जीवाणु, 9वां मिक्सोमाइकोफाइटा फॉल्स फंजाई असत्य कवक, और 10वें में यूमाइकोफाइटा टू फंजाई सत्य कवक। इसको आगे वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके क्रम में। और इम्ब्रियोफाइटा में हमको पढ़ना है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा में मॉस, टेरिडोफाइटा में फर्न, और जिम्नोस्पर्म में आपका साइकस पाइनस है, और एंजियोस्पर्म में सभी पुष्पी पौधे ऑल फ्लावरिंग प्लांट। तो ये रहा है आपका पादप जगत का वर्गीकरण जो आपको कल मिला था, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू मार्टिन। ये जो है मार्टिन वैज्ञानिक है, मार्टिन, मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने जो 1955 में, 1955 में कवकों का वर्गीकरण किया था। और कवक ये सब डिवीजन जो है इसको 3 सब डिवीजनों में बांटा था, 3 सब डिवीजनों में बांटा था। तो कवक को मुख्य रूप से जो सत्य कवक आपको अभी बताए हैं हम कि आता है, ये कवक को 3 सब डिवीजन है, कितने सब डिवीजन, 3 सब डिवीजन है, ये सब डिवीजन है, सब डिवीजन विभाग। पहला उसमें वही साइजोमाइकोफाइटा में साइजोमाइसिटीज, साइजोमाइसिटीज ये आता है साइजोमाइकोफाइटा, जिसमें ये वर्ग है साइजोमाइकोफाइटा का। दूसरा आता है इसी क्रम में मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सो माइसिट, और तीसरा है यू माइसिट मिक्सो माइसिटी और यू माइसिटी, यू माइसिटी। तो इसमें साइजोमाइसिटी, इसमें बैक्टीरिया आपको भी बताया गया है,
बैक्टीरिया जीवाणु को रखा गया है। इसमें स्लाइम स्लाइम मोड्स क्या है, स्लाइम मोड्स, अपंग कवक, असत्य कवक और यू माइक्रोफाइटा में आपको रखा गया ट्रू फंजाई, सत्य कवक, ट्रू फंजाई, सत्य कवक इसके अंतर्गत रखा गया है। अब आपको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यूमाइस्टीज को चार वर्गों में बांटा गया, इसको यूमाइस्टीज को फोर क्लासेज चार वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग आता है आपको फाइकोमाइसिटीज, क्या है, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज, क्या आता है, बेसिडियोमाइसिटीज। और तीसरा आता है एस्कोमाइसिटीज, एस्को चौथा है ड्यूट्रियो माइसिटीज। ये आपके चार वर्ग हैं, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रियोमाइसिटीज। जिस तरह से याद करें, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रियोमाइसिटीज, तो ये फोर क्लासों में विभाजित किया गया मार्टिन के अनुसार। इसमें सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज आपका आता है। फाइकोमाइसिटीज फाइकस रेशे के, फाइकोज मीन्स होता है एल्गा और माइसिटीज मीन्स होता है एल्गल फंजाई। फाइको फाइको मीन्स होता है आपका ये एल्गा, फाइको मीन्स एल्गा होता है। इसी रूप में माइसिटीज मीन्स एल्गल फंजाई, क्या कहते हैं इसको, फंजाई, अर्थात ये हो गया एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई। अब इसी में आपको ये जानना है कि इसके जो गुण क्या हैं। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज के जो भी कवक होते हैं वो उसमें आपका ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक जलीय, ये क्या होते हैं, जलीय, एक्वेटिक। और इसी के साथ साथ एक दूसरा इसका गुण है ये टेरेस्ट्रियल स्थलीय, तो जलीय अथवा स्थलीय दोनों रूप में ये पाए जाते हैं। तीसरा ये है कि कभी कभी कवक सूत्र इसमें अनुपस्थित होते हैं, एसेप्टेड भी होते हैं और सेप्टेड, कभी कभी इसमें कवक सूत्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जननांग पूर्ण विकसित, सेक्स ऑर्गेन जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं, जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं, इसके जननांग क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं और जनन की क्रिया एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाई जाती है। इसमें जनन की क्रिया जो है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक जनन की दोनों विधियां पाई जाती है। तो इस तरह से फाइकोमाइसिटीज रहा। अब फाइकोमाइसिटीज को आगे के क्रम में विभाजित किया गया है, एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये फाइकोमाइसिटीज को मुख्य रूप से आपको तीन उपविभागों में विभाजित किया गया, कितने में, तीन में बांटा गया है, उपवर्गों में, क्या है ये, सब क्लासेज, सब क्लासेज, सब क्लासेज उपवर्ग हैं। तो सबसे पहला उपवर्ग आपका आता है इसमें ट्राइकोमाइसिटीडी, ट्राइकोमाइसिटीडी। तो पहला था ट्राइकोमाइसिटीडी, दूसरा है ओ माई सी टी डी, ओ माई सी टी, और तीसरा आपका है जाइगो, जाइ गो
माइसिटी डी, ये जाइगोमाइसिटी। तो फाइकोमाइसिटीज को कितने भाग में बांटा गया है, तीन, ट्राइकोमाइसिटी, ओमाइसिटी और जाइगोमाइसिटी। अब थोड़ा सा जान लीजिए, ट्राइकोमाइसिटी में जो होता है इसमें कवक सूत्र जो है माइसिलियम, कवक सूत्र माइसिलियम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? कवक सूत्र, इसमें माइसिलियम कवक सूत्र अनुपस्थित होता है। जैसे सिंकेटियम, उदाहरण क्या है, सिंकेटियम। और ओमाइसिटीज में जो होता है इसमें कवक सूत्र उपस्थित होता है। इसमें जो है माइसिलियम पाया जाता है, इसमें माइसिलियम प्रेजेंट होता है। और ओमाइसिटीज में कवक सूत्र माइसिलियम उपस्थित होता है। जैसे एल्बगो, क्या होता है, एल्बगो। और जाइगोमाइसिटीज में जो है इसमें जाइगोमाइसिटीज में कवक सूत्र उपस्थित होता है। और इसमें युग्मक क्या बनते हैं, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जैसे म्यूकर और राइजोपस। युग्मक इसमें क्या बनते हैं, जाइगो स्पोर्स, जाइगो स्पोर्स युग्मक बनते हैं। इस तरह से याद रखिएगा कि ट्राइकोमाइसिटीज में कवक सूत्र अनुपस्थित होता है। जैसे इसका उदाहरण सिंकेटियम बताया, ओमाइसिटीज में कवक सूत्र जो है उपस्थित होता है, इसका उदाहरण एल्बगो है। और जाइगोमाइसिटीज में कवक सूत्र उपस्थित होता है लेकिन इसमें युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जैसे राइजोपस और म्यूकर। कल हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज आगे के क्रम में।